नमस्कार, साम टीवी प्रेजेंट्स आईपीएल स्पेशल क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय वन एक्स बैट में आप सभी का स्वागत है। आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वो ईडन गार्डन कोलकाता में होने वाला है, जहां 1864 में इस पूरे स्टेडियम की शुरुआत की गई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आज के मैच पे, जो है कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच। तो मैं दोनों अपने एक्सपर्ट्स का स्वागत करना चाहूंगी, जो हैं हमारे साथ नॉयल डेविड, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर इंडिया, आपका स्वागत है। साथ ही सुनील यश कालरा, फाउंडर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स फैन, आपका भी स्वागत है। थैंक यू दान, थैंक यू। आप दोनों का आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जी दामिनी, थैंक यू। थैंक यू दामिनी, काफी वेलकम। आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोनों ही बहुत चर्चाओं में रहने वाली टीम है, चाहे मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करूं या पंजाब किंग्स की। उस पर डिस्कशन करने से पहले, आज हर बार हम एंड में डिसाइड करते हैं कौन जीत सकता है हमारे हिसाब से, शुरुआत में इस बार मैं जानना चाहूंगी कि दोनों को, दोनों टीम्स में से आपको क्या लगता है कि कौन सी की ज्यादा उम्मीद लग रही है आज के गेम में? विदाउट सेइंग आई विल से केकेआर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी होम ग्राउंड है एंड केकेआर इज ऑन टॉप एट प्रेजेंट। दे आर नंबर 2 इन द टेबल टॉप। दे आर गोइंग स्ट्रांग डे बाय डे, एवरी मैच दे टेक इट And I feel that Punjab will be at a receiving end. Why so? Because they are plugged with a lot of batting issues, bowling issues, and fielding issues. I think they are not, they don't look like a team at present. I feel they are lost. They are lost in some way or some other thing. And I feel that this will be an advantage to KKR to beat them hands down. And I think this match will not go to wire. It will finish at very soon. Well, Lohan ne ek bahut achhi baat boli hai. Bilkul, Lohan ne ek bahut achha point rakha hai iske upar. They are not behaving like a team. Ye dekhiye, ye sirf ek cricketer hi pakad sakta hai ki usko pata hota hai ki 11 bande khel rahe hain, ek hi jersey mein khel rahe hain. Fans ko ye lagta hai ye team hai. बट जो क्रिकेटर और जो बारी की नजर रखता है, वो देखता है कि ये टीम का कैसा बिहेवियर है, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल रही है कि नहीं, वो अपने को कहाँ पे अपना तालमेल जोड़े रखे है कि नहीं, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है। और अगर ये जब चीजें आती है तो हमको एक चीज तो जरूर देखनी है कि हम इसके ऊपर कितना दावा लगाए और दाव लगाए कि ये टीम आपको वहां ले जाती है। देखिए, अगर आपके पास आपका कप्तान नहीं खेल रहा तो ये मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न हो जाता है, और यही हो रहा है यहाँ पे। शिखर की जो इंजरी बीच में और स्टार्टिंग ऑफ आईपीएल में हुई है, उससे लग रहा है आपको कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये कंसर्न टीम को नीचे ले जाएगा। जी दामी, जब टीम को नीचे ले जाने की बात हो रही है यहाँ पर, तो किस किस चीज ने निराश किया है पीबीए केएस को इस बार? आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसने उन्हें निराश किया है, और शायद आज वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का को फेस करने वाले आज के मैच में? इन ऑल डिपार्टमेंट्स, आई फील इन ऑल डिपार्टमेंट्स, यू नो, देयर बैटिंग हैज नॉट बीन अप टू द मार्क, दे हैव नॉट बीन यूटिलाइजिंग द पावर प्ले, यू नो, आफ्टर शेखर नॉट प्लेइंग, आई थिंक सैम करन लीडिंग द साइड इज इट्स अ फर्स्ट ड्रॉबैक टू देम, बिकॉज़ व्हाई आई से इज बिकॉज़ there's no such leader who takes the command of the team. There has to be a leader which commands the team, like Pat Cummins. You know, I don't feel Sam Curran can be a good leader for that side. That's why I said they are lost as a players in the team. I think their batting, especially their batting, has not clicked, whether it's the power play, whether it's the middle over, 7-14, or the last 5 years. There's no one taking that responsibility that they can finish a game or can give a good start. You can't depend always on the captain, Shekhar Dhawan, when he's there to get runs, or someone else to come in, or Sam Curran himself to come and get runs. No, there has to be a contribution. This team is made of 11 players, and it's a format of T20. You have the freedom and the license to go about in your batting. So you have to take collective decisions to win a match. And I feel that
all of this is combined together. The bowling is not, the fielding is not up to mark. So I think this is the worst scenario of Punjab this IPL 2024. Well, आपने बहुत अच्छा कहा दामिनी, इन्होंने तो बिल्कुल पूरी टीम को मतलब उधेड़ के रख दिया सामने आपके कि किस जगह से लोग बुनते हैं टीम को, और कुछ टीम होती है जो अपने आप को उधेड़ के सामने रख देती है कि हम शेप में नहीं आना चाहते. पंजाब उसमें से एक क्लासिक एग्जांपल है. यू आस्क मी, आई थिंक नोल डेविड काफी काइंड थे बोलने के लिए कि दैट इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द टीम नॉट कमिंग बॉलिंग पावर प्ले, बट मैं एक स्टेप पीछे ले लेता हूँ. जब आप टीम बनाते हो तो आपको ये देखना होता है कि टीम में कौन कौन कैसे कैसे वन यूनिट फिट होता है, रिक्वायरमेंट क्या है. जो टीम सिलेक्ट करता है और जो पैसे लगाता है, जो लोग बैठते हैं उस बोली और ऑक्शन में, सबसे बड़े कल्प्रिट तो वो हैं जो टीम को बिल्कुल बहुत ही गलत तरीके से चुन के लाते हैं, क्योंकि उनका फुल टाइम काम क्रिकेट नहीं है. क्रिकेट स्टेटिस्टिक्स एनालाइज नहीं करते हैं वो, उनका एक ही काम है ऑक्शन में आए, अपने आप को बड़ा प्लेयर लिया, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा प्लेयर लिया, उतनी बड़ी बोली लगाई, हाई फाई किया कि जी वाह आमलेट क्या टीम ने. क्योंकि वो ये नहीं देखते कि इस प्लेयर का करंट फॉर्म क्या है, करंट एज क्या है. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई लव दिस गाय कॉल्ड शिखर धवन, अमेजिंग प्लेयर, बट ही इज अ शैडो ऑफ व्हाट ही यूज्ड टू बी. जब आपके पास प्लेयर, अब जब शेर जब काफी बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसको सर्कस में भी नहीं लिया जाता. यही हाल हो रहा है पंजाब के प्लेयर्स का, या तो सर्कस वाले हैं या उनका एक्सपायरी डेट हो गई है, तो उनको दे हैव टू लेट गो. सैम करन वाज अ बिग प्लेयर बट ही इज नॉट अ यूटिलिटी प्लेयर नाउ, और कप्तानी मटेरियल तो बिल्कुल नहीं है. जैसे ऑफ एयर हम बात कर रहे थे, नोल डेविड ने एक चीज बड़ी ध्यान से कही थी कि रवि शास्त्री जब बोलता था तो लगता है चाहे वो बैटिंग फील्ड पे हो, चाहे कॉमेंट्री पे हो, या बाहर ड्रेसिंग रूम पे हो, या टैक्सी बुला रहा हो, ए टैक्सी, आपको लगता है उस वॉइस में दम लगता है. आपको ये नहीं चाहिए एक छोटा सा बच्चा आके बोल रहा है आ यहाँ खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाओ, विद नो एक्सपीरियंस, यू नो दैट इज व्हाट इट इज. तो सब सारी लीडरशिप स्किल्स, सबसे बड़ा खामियाजा आपके ओनर्स की तरफ से, मेरे ख्याल से वो हरा रहे हैं टीम. राइट. एंड पीबी केएस में दो और प्लेयर्स हैं, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा, उन्हें ऊपर भेजने का समय आ गया कि आपको क्या लगता है इस पे? इट कैन बी अ राइट नो, बट अगर इनको ऊपर भेजो तो नीचे कौन खेलेगा? ही विल प्ले फॉर देम. वो लोग नीचे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. अगर अगर इफ यू थिंक ऑफ सेंडिंग आशुतोष और शशांक सिंह ऑन टॉप ऑफ नंबर 3 और नंबर 4, देन नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6 कौन खेलेगा? व्हिच दे आर डूइंग इट, एंड वो स्पॉट पे दे आर गेटिंग लॉट ऑफ रन्स. सो आई थिंक दैट विल बी अ बिग अगेन ब्लंडर बाय सेंडिंग देम ऑन टॉप, बिकॉज they are utilizing that correct overs to get that runs, and both of them are batting so well as a unit. Both of them, the partnerships build kar rahe hain, they are going after the bowlers, they are having some fun out there when they meet each other after the break. I think don't think of promoting them, keep them there, because then niche jo wo spot pe run aana hai wo run nahi aayega. So I feel that promoting him is not the criteria thing now. Keep them there, let them enjoy the cricket, because they are enjoying at present. देखिए नोल डेविड हर हर सवाल के ऊपर छक्का मार रहे हैं. इन्होंने बोला अगर इनको ऊपर खिलाओगे तो नीचे कौन खेलेगा? सो ये बात देखिए बड़ी कायदे की बात की है इन्होंने. ऊपर वाले अगर ऊपर अपना काम खेलेंगे तो नीचे वालों को बड़ा खेल खेलने की जरूरत नहीं होगी. They'll only come in for the last 3 या 4 या 5 ओवर, जिसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. 5 ओवर में आपके पास अगर 60-70 रन नहीं बने तो प्रॉब्लम है, बट उसको बिल्कुल पेस करनी होती है. इनिंग इज लाइक पेसिंग देम, 7 ओवर्स ईच अगर आप देखेंगे उस हिसाब से माइंडसेट होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली पंजाब के पास स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है, पंजाब के पास लीडरशिप नहीं दिख रही, और पंजाब के पास बॉलिंग पेनिट्रेशन नहीं दिख रहा है कि लास्ट उसमें कैसे खेले. बस ये 2-3 नाम निकल के आते हैं आपके पास जो मिडल ओवर्स में खेल के गेम को पास लेके आते हैं, जीत नहीं रहे ज्यादा, पास लेके आते हैं. अगर वो उसी में खुश है तो इट इज लाइक व्हाट इंडियन कंटिंजेंट यूज्ड टू बी इन द ओलंपिक्स इन 1980s एंड 90s. दे वुड से हम भाई ओलंपियन है, दे वुड राइट वेरी दिस थिंग विद देयर विजिटिंग कार्ड दैट दे आर ओलंपियंस. नाउ वी आर गोइंग इन फॉर ओलंपिक मेडल्स,
तो ये दोनों फर्क है माइंडसेट में. आई थिंक पंजाब गाइज आर कंटेंट बीइंग द ओलंपियंस एंड द प्लेयर्स ऑफ आईपीएल, नॉट एज विनर्स. नॉल, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में अभी आया. आप क्रिकेटर हैं और आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आज इन्हें जीतना है पंजाब को, तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी वो बना के चलें जो उनको मदद कर सकती है कम से कम रिस्पेक्टफुली इस गेम को कंप्लीट करने में. जैसे आपने बोला कि बहुत मुश्किल है, बट ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी आज हेल्प कर सकती है इनको अगर वो अपनाए तो. देखिए, अगर उनको जीतना है तो उनका स्ट्रैटेजी जो रहता है, हर प्लेयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ये है, दिस इज वॉट यू हैव टू डू, एंड वी ट्राई टू गेट दैट रन्स फॉर अस ऑन द बोर्ड. दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई डोंट सी एनीवन गोइंग विद अ क्लियर माइंड और अ स्ट्रैटेजी लेड आउट फॉर दैट कि हम फर्स्ट सिक्स ओवर में हम 45 लाएंगे या 60 लाएंगे या वी विल गो आफ्टर द बोलर्स. कोई प्लानिंग नहीं है इनमें. बस इफ यू सी द ओपनर, आई डोंट नो, आई कांट प्रोनाउंस हिज नेम, इट्स परम be given a role by bowlers. You have a bowling unit, you bowl, you know, when it comes to depth overs, you bowl the depth yorkers. Don't try to bowl short slow bouncers or bouncers where you're going to give a correct like Bumrah, bowl it right there on the yorker local height. See, and the fielding has to be up to the standard. They have to have a clear plan when they enter. Sri, you want to add something? देखो, नोल ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, सारे चीजें ठीक है, बट एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे काफी अग्री होता है कि इस अग्रेशन के साथ और इस प्रोफेशनलिज्म के साथ आप खेलते हो तो फील्डिंग क्यों इतनी आपकी वीक होती है. आई मीन कारपेट ग्रास एरिया देखिए कितना बढ़िया है. आप इनके मिनट देखेंगे जिस तरह से इनको पेड किया जाता है, उसके बावजूद ये कैचेस मिस आउट करते हैं. ऐसा तो है नहीं कि फ्लड लाइट्स में पहली बार खेल रहे हैं तो उनको बॉल साइट नहीं होती. You know, दो दिन पहले आते हैं उन लोग अपने ग्राउंड में खेलते हैं. सो आई जस्ट वांट टू आस्क नोल डेविड कि ये आर दे टेकिंग फील्डिंग फॉर ग्रांटेड. आई थिंक एज इट जस्ट बिकम अ बैटिंग लाइनअप कि आप बैटिंग तो कर लो, 250 मार जाओगे तो जीतने के 90% चांसेस है, और बॉलिंग और फील्डिंग छोड़ते रहो, कोई उसमें ज्यादा फर्क नहीं है. I think it's the approach what is lacking in them, because fielding should come within ourselves. Hey, for me, fielding was everything. I used to take fielding very seriously. I had that passion to field on the field. So that has to be there, whether whatsoever, whether you're a batsman who can field, or whether you're a bowler, everyone has to field because they are on the ground to field. So the ball is going to come to you. Expect the ball to come all the time. You be ready for it. And I feel that, you know, this T20 format, especially, you have to be on your toes all the time. All the time. You cannot sleep there on the field. You cannot blink because the ball can come to you at any moment. And I feel that, you know, I was reading these fielding coaches and I have never heard about them. I never, leading Jonty Rhodes, I never heard about these fielding coaches in my life. Seriously, Sunil, I have never heard whoever the fielding coaches are in these franchises. When I read them, when I get this, I feel that when did I see them fielding or when did I see them playing? So I think that, you know, you have to have a professional fielding coach in your franchisee who will, like Jonty Rhodes himself. You know, he's been a great fielder, number one. So he knows the technique of catching, he knows the technique of throwing, you know, the ground feeling, how to attack the ball. So I think all this thing has to be there. हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस करें, या ईडन गार्डन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं. यहाँ पर देखा गया 88 आईपीएल मैचों में बल्लेबाज यूजुअली जो भी पहले बैटिंग कर रहे हैं वो यूजुअली जीतते हैं,
काफी मैच, 36 मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें से उन्हें जीत मिली है जहां बल्लेबाजी शुरू शुरू करी है। और बाकी तो आपको क्या लगता है आज के मैच में टॉस पे भी क्या यहाँ पर कुछ डिपेंड कर सकता है गेम, ईडन गार्डन के हिसाब से अगर बात करें तो? बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक द ड्यू फैक्टर व्हिच कम्स इन कलकत्ता, द सनसेट यू नो इज अर्ली देयर, यू नो द ड्यू फैक्टर कम्स इनटू प्ले वेरी अर्ली। आई थिंक दैट्स द रीजन ए है कि जो भी टॉस जीतता है पहले बल्लेबाज यू नो दे बैट, बिकॉज दे डोंट वांट टू बॉल you know they want to bat, get that runs, because when the bat second ball becomes a little heavier, you know, because of the dew, you know, and ball doesn't travel much. I think that's the advice. Calcutta has always been a great batting strip, always, where you can just blindly close your eyes and bat on that wicket. So I feel that, you know, it's going to be a good crunch or match today, and I feel that KKR will take this match away from Punjab. मैच की तो बात हो गई, केकेआर की हो गई, पंजाब की हो गई। अब मेरा एक सवाल दामिनी से खुद है। जी प्लीज। दामिनी, आप आपका नाम थोड़ा बॉलीवुड वाला है और आप बॉलीवुड की फिल्म्स बड़ा देखती हैं, आपके कजन्स बॉलीवुड में है। सवाल यह है कि आपका बॉलीवुड फेवरेट कौन है, प्रीति जिंटा को सपोर्ट करेंगे या शाहरुख खान को? I was expecting this question. मुझे लगता है मैं शाहरुख खान के साथ जाना चाहूंगी। I'll go with शाहरुख खान। किरण, in that way, I'll support शाहरुख खान in this match for sure. Absolutely. आपने मेरी और नोल की नहीं पूछी, but हमारा unanimous choice the dimpled Preeti Zinta होता for अच्छे। Yes. Opposite attracts, you know. Opposite attracts. Absolutely. It's still the dream. By the way, my gentlemen, आज का discussion काफी interesting रहा। Match अब देखते हैं कि क्या Preeti Zinta की team कुछ कमाल कर सकती है या फिर शाहरुख खान जी लेके चले जाएंगे, वो आज का मैच काफी डिफाइन करेगा। इंतजार करते हैं मैच के अंत होने का। बट थैंक यू वेरी मच नॉयल, थैंक यू वेरी मच सुनील जी फॉर जॉइनिंग दिस डिस्कशन एंड गिविंग योर इनसाइट्स ऑन दिस मैच। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।